वर्ल्ड रिकॉर्ड इन फ्री फायर। तो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फीगिंग इनटू इनर वीडियो। आपने अपने ज़हन को ऐसे बना लेना कि आप एक कहानी सुन रहे हो और आपसे सब्र नहीं हो रहा कि इस कहानी के आखिर में क्या होगा, क्योंकि मैं इस मैच को एक कहानी की तरह बताने वाला हूँ। ओके, तो हम लोग उतरे थे शिपयार्ड में। इस शमशातू के हाथ में गन थी और मैं निहत्ता था, लेकिन फिर भी भाग गया और मेरी जान बच गई। उसके बाद मैं लूट की तलाश में आगे भटकता गया, लेकिन मुझे लूट नहीं मिली इन कंटेनर्स पर। यकीनन टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने आए हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें। लगा ली उसकी पेंटी। एक ही पेटी लगाई है मैंने सिर्फ, लेकिन बने तो ज्यादा थे। मेरी पेटी लग गई गाइस। गाइस इस बार शॉर्ट रेंज लग गई। रिमोट मत दिखा रहे बाबा, तुझे डर नहीं? अबे क्या है, मेरे बारे में कोई नौकर की रिमोट दिखाए तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा खून खौल उठता है। तो ये हमारे टीममेट को इमोट दिखाया था, मेरा टेम्परेचर हाई हो गया और मैं बस कार लेकर ऊपर चढ़ गया। मैं एक मुनासिब मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन पिंग हाई तो हो गई थी, लेकिन एक मुख्तसर वक्त तक। एक फतू खान भागा आता है, उसको नॉक करता हूँ, फिर उसके बाद चप्पड़ गंजू इस तंग रास्ते में शिकार बन जाता है। हम लोग के स्क्वाड में जो एक बंदा होता है जो टीममेट्स की नॉक होने के बाद दिमागी संतुलन खो बैठता है, तो अभी जो बंदा आ रहा है ये वो बंदा है। ये मुझे बाहर मैदानी इलाके में तलाश कर रहा था जबकि मैं इसके पास ही था। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, मुझे अभी भी वाइब्रेशन आ रहे थे। पटाखे का आइकन आ जाता है, लेकिन फिर वो गायब हो जाता है, शायद उसने नीचे नेट मारा था। इस बंदे से एक ग्लूहल मिली और मैंने उसको भी एहतियातन लगा दिया, क्योंकि नीचे से बंदा आ रहा था। पहले मैंने इसको कार से डैमेज दिया, उसके पास उसी थी, तो मुझे लगा वो कुछ खास नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन जब मैं उसके शॉर्ट रेंज में गया मेरी 100+ HP इसने खा ली और लिटरली मुझे सांस लेने का मौका नहीं मिलता। जैसे मैं इसको फेस करता हूँ एक पीली टट्टी आ जाती है, और शायद ये बंदा HP के सारे कैरेक्टर्स लगा कर आया था, मर ही नहीं रहा था। मैंने भी सवाब का काम समझकर फायर बटन पर उंगली रख दी थी। जब तक ये नॉक ना हुआ मैंने गन से उंगली नहीं हटाई। जब आप मैच के स्टार्टिंग में 2-3 किल्स कर लेते तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब आपको आपकी फेवरेट गन नहीं मिल जाती फिर तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। यहाँ पर मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं बस चाह रहा था कि मुझे बंदा दिख जाए। इसको मैंने मारने की कोशिश करी, लेकिन मशीन के पास पहुंच जाता है, और इसके मशीन तक पहुंचना मेरी मौत का सबब बन जाता है। मैं उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता हूँ, मुझे टीममेट की तरफ से आवाज आती है। मैंने ऊपर देखा तो मुझे 3 चिड़िया नजर आती है। मेरे पास कार की जितनी भी गोलियां होती मैं हवाई फायरिंग में उड़ा देता हूँ। 1 मिनट पहले मैंने यहाँ पर जिन बंदों को सुलाया था उनकी रिवाइव करने की इतने क्विक सर्विस थी कि अगले मिनट में फिर रिवाइव होकर यहाँ पर आ गए। ये सुलेमानी कीड़ा अब भी नहीं मर रहा था, जबकि हवा में भी मैंने इसको इतनी गोलियां मारी थी। अब दूसरा आ जाता है, इसको मैं आराम से नॉक कर देता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 18 बुलेट्स रह जाती, वो भी सिर्फ MP5 में, बाकी दोनों गन्स खाली। इस मौके का फायदा उठाने एक कलोटा आ जाता, समझ नहीं आती मैं इसको गन फेंक के मारूं या क्या करूं। ये स्क्वाड का लास्ट बंदा था, अगर एमओ होती ना तो एक स्क्वाड तो यहीं पर वाइप हो जाता और एक ही जगह पे मेरे 7 किल्स हो जाते। अब मन्नू के नाजुक कंधों पे थी हमें रिवाइव करने की जिम्मेदारी। हमने इसको बोला कि तुम फाइट मत लो, यहाँ से निकल जाओ, तो इसने वैसा ही किया, लॉन्च पैड पकड़ा और वी बैच को बदनाम कर दिया। बंदे ने इसको देखा हुआ था और वो भी इसके पीछे आ था। रिवाइव करने की जो 100% की उम्मीद थी वो अब 80% हो गई, और जब मैंने इसकी HP देखी तो मेरी उम्मीद 80% से 50% पे आ गई। अपने अंग अंग का जोर लगाकर ये वहां से निकल जाते। हम लोग बोलते हैं कि अब रिवाइव की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन ये अपनी तारीफ में कुछ अल्फाज का इजाफा करते हुए ये बोलता है, इसकी हौसला अफजाई करने के लिए मैंने इसको एक ऑफर दी। अगर तुमने इस सिचुएशन में रिवाइव कर दिया मैं 9 Q मोबाइल 12 इंच का डिल्डो। इसने उस ऑफर को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। यहाँ पर बैठकर इंतजार करता गया, जोन का दायरा तंग होता गया और बस मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने बोला अब तो जाकर रिवाइवल पर बैठ जा, सिर्फ 1 मिनट रह गया है, और शायद इस 1 मिनट में पहुंचना भी मुश्किल था। रास्ते में मिल गई एक टुकटुक और यहाँ पर ग्लूआस को देखकर उम्मीद 0% हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा था लेकिन उसने इसके साथ फाइट नहीं ली, पता है क्यों? क्योंकि वो भी शायद स्क्वाड का लास्ट बंदा था और उसके कंधों पर भी रिवाइव करने की जिम्मेदारी थी। वो बाइक लेकर यहाँ से उड़न चू हो गया, अगर एक नेट भी यहाँ पर वो फेंक देता ना तो हमारा काम तमाम हो जाता। वो भी लास्ट बंदा है। मम्मी मेरे को बचाओ। दोस्तों को ये लास्ट में बचा लीजिए दोस्तों।
हम बच तो गए लेकिन ऐसी जोन में रिवाइव होकर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कीड़े मकोड़े देख रहे हैं आप लोग। शॉर्ट रेंज तो अब मिलनी नहीं थी, तुम्हें मशीन पर गया उसी निकाल और खुशकिस्मती सी SMG MO भी मिल गई और उसके बाद यहाँ पर ओग भी मिल गई और कार 98 भी पड़ी थी। आपको कुछ मिले ना मिले लेकिन कार 98 जरूर मिलेगी आपको। कोई इसको मुंह ही नहीं लगाता, नोबडी लव्स मी, मैं भी आई एम कार 98। बाहर की दुरा दबाव को देखकर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर शायद चांस लग जाए। मैं जगह का मुआयना कर रहा था कि एक बंदा मुझे दिख गया। बहुत आसानी से मैं इसको नॉक कर देता हूँ तो वो सामने की तरफ फाइट ले रहा था तो ऑब्वियसली बंदे भी सामने ही होने थे। मैं लूट का प्यासा लूट के चक्कर में वहाँ पर भागा भागा चला गया। ए, गाड़ी स्टार्ट कर, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। मैं जब इसके करीब आया तो उसकी जगह कोई और देखने को मिला और सामने से कतई जहर वाला डैमेज पड़ा मुझे। मेरे लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था तो मैंने यहाँ पर रहना मुनासिब समझा। आलोक ने HP दी थी और बॉनफायर से भी काम चल गया, HP फुल हो गई। मैं तो बस एवी बाहर की तरफ नजरसानी करने निकला था लेकिन एक बंदा रिवाइवल की तरफ जाते हुए देखने को मिला। लूट की तड़प की वजह से एक मरतबा फिर मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। ये वाली लूट तो मैंने बहुत ही आसानी से कर ली लेकिन वो कहते हैं ना, जितना ज्यादा मिलता है उतनी तड़प बढ़ती जाती है। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। अब मुझे सामने वाले बंदे की लूट भी करनी थी। रास्ते में ही मुझ पर हमला हो गया, मैं मजबूर हो गया रुकने पर और पीछे से मुझे ठोक दिया गया। खिड़की में बैठे इस पुदीनी ने देखा जोन के अंदर एक बंदे को जो हवाई उड़ान भरने के लिए तैयार था और आराम से इसने उसको नॉक कर दिया। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं इसके लिए एक नई गाली बनाता। उसको रिवाइव करने एक और बंदा भी जोन से निकल आ गया। अब जोन के अंदर जाकर उनके साथ फाइट करना तो हिमाकत होगी तो इसने फेंके यहाँ से कुछ हवाई चॉकलेट, नॉक किल भी मिल गया, दूसरे बंदे को भी आराम से मार दिया। इनकी लूट से इसको सुपरा मेडिकेट्स मिले तो इसने आराम से सुकून के साथ बैठकर इनकी लूट करी और बाद में हमें रिवाइव कर दिया। मैंने सोचा इनके पास ही लैंड करता हूँ लेकिन यहाँ पर एक बंदी थी। उसको भनक तो लग गई थी कि कोई आसपास है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। हमारे एक बंदे को भी नॉक कर दिया था। मन्नो आया गाड़ी लेकर उसको टक्कर मारने लेकिन उसने जंप करके खुद को बचा लिया। मैं वेट कर रहा था कि वो कब फायर करेगी और यार किल चोरी हो गया, इतने प्यारे हेड मारे थे। जितने इसने टाइट कपड़े पहने हुए थे उतनी टाइट इसके पास लूट भी थी। जोन से निकलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया तो मैं गाड़ी में बैठ के मेडिकेट लगा रहा था कि मेरे जहन में आया एक आइडिया। वो बंदे हमें जोन में आने नहीं दे रहे थे तो मैंने इनको बोला कि मैं गाड़ी से इनकी ग्लूवाल को तोड़ता हूँ, तुम लोग बस फायर दे देना। ये काम थोड़ा रिस्की था अगर ये लोग सही टाइम पे फायर नहीं देते लेकिन शुक्र है इन्होंने इनको मार दिया और मैं कुर्बानी का बकरा बनने से बच गया। मैं लूट कर रहा था और मुझे काफी खतरनाक वाला डैमेज पड़ा। दो बंदे रह चुके थे, फुल गर्मी चढ़ी हुई थी इन्हें बुया करने की, बस दस 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 लगे हुए थे। इनके एक बंदे को नॉक कर दिया। अब बारी थी लास्ट बंदे की, मेरा निशाना बिल्कुल उस पर आ गया था लेकिन अब ये ठंडा हो गया और टीम अप करने। मैंने बोला सही है बच्चू, अब तू टीम अप कर ले, अब तो पता है कि मार देंगे। तो मैंने बनाया एक खतरनाक प्लान जिसमें मैंने इसको गरम कर दिया और गरम करके गरम ही छोड़ दिया। अपने टीममेट्स को बोला कि तुम लोग जोन में निकल जाओ, इसको लगेगा कितने रहम दिल है, मुझे बुया देने वाले हैं और तब होगा इसके साथ एक हादसा। तीनों ना जोन में जाएंगे और मैं फिर मार दूंगा इसको, इसको लगेगा बुया देने वाले हैं, गरम करके गरम ही छोड़ देंगे इसको। अबे वो चलो चलो, मन्नो भाई को पता नहीं क्यों ना थोड़ा दिल में हो रहा है। अंदर आओ, अभी नहीं बिल्कुल, जब जोन शिफ्ट होगा चले, अभी जोन में चले, अभी नहीं, जब भी एक जगह पे खड़ा तो हो जाए, नहीं अभी मूवमेंट कर रहा है, हेड नहीं ले रहा, स्प्रेन करते। हाँ चलो चलो, तुम लोग जाओ जाओ, वही जाओ जाओ, चलो आ जाओ, जाओ 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 जाओ, इससे जाओ, लॉन्च पैड से जाओ, लॉन्च पैड से जाओ, ये खुश जा रहे। अरे मैं तुमसे आगे जाऊंगा, नहीं मैं तुमसे आगे जाऊंगा। अबे क्या बात है गाइस, क्या ही बात है। अब लाइक्स देकर आप लोग हैरान रह जाएंगे, 17, 16, 12, 15 लाइक्स टोटल 7। क्या आपने आज तक इतने लाइक्स देखे हैं? अगर देखे होंगे तो वो कोई कस्टम रूम वाली वीडियो होगी। मेरे हिसाब से ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है या फिर पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो है ही। आज तक अगर किसी को इतने लाइक्स मिले होते तो वीडियो जरूर अपलोड की होती और मैंने अभी तक किसी की ऐसी वीडियो नहीं देखी है। मुझे बहुत 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 मजा आएगा, बहुत 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 मुझे बहुत